मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एंड स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के अरीज अख्तर को अमेरिका के वॉटसन में मुनक़िदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान पहला जून CARCT सरकर्दा ट्रेल अवार्ड से नवाजा गया। CART सेल थेरेपी के मैदान की मुमताज़ शख्सियत डॉक्टर जून ने अरीज को उनकी अहम तहकीक के लिए खुद उन्हें यह एजाज़ पेश किया। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरीज की तहकीक इस बात को जागर करती है कि लिविंग ड्रग्स की बरकरारी और तवील मुद्दत में उनकी असर पजीरी को बेहतर करने के लिए असरिनो मेटाबॉलिक प्रोग्राम की ज़रूरत है, जिसने सरतान के मर्ज़ के इलाज में इनकलाब बरपा किया था। 2017 में जब CDAF ने पहला CART सेल थेरेपी को मंजूरी दी थी। दुनिया भर में 35,000 से ऊपर मरीज इस इलाज से मुस्तफेद हुए हैं और ये उन मामलों में भी मौसर हैं जहां दूसरी थेरेपियां जैसे कीमोथेरेपी और इम्यून थेरेपी नाकाम हैं। उन्होंने 3,000 से ऊपर मुख्तलिफ सालमों के मजमुओं को पेश किया ताकि वो इस एक की तलाश कर सकें तो जो CARTC सेल फंक्शन को बेहतर कर सके और इसकी ज़िंदगी बढ़ा सके। उन्होंने इनाम तकरीब के दौरान कहा कि हमारी टीम ऐसे मुनफर्द मुरक्कब की खोज कर ली है जो मरीजों के नमूनों में और कब्ल इलाज मॉडल्स दोनों में ही बेहतर अंदाज में काम करता है। आपको बता दें कि CART सेल थेरेपी बहुत महंगी थेरेपी है जिसमें करोड़ों का खर्चा है। अरीज अख्तर ने अपने मकसद की वजाहत करते हुए कहा कि वो ज़िंदगी बचाने वाली थेरेपी को दुनिया भर में ज़्यादा सस्ता और काबिल रसाई बनाना चाहती हैं। अख्तर की तहकीक के पसपर्दा बायो इंजीनियरिंग का पेटेंट करा लिया गया है और इसमें दोनों यानी अरीज अख्तर और डॉक्टर तनवीर अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर MCARS जामिया मिल्लिया इस्लामिया को इसके मवज्जिद के तौर पर दर्ज किया गया है। MCARS के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ने अरीज अख्तर को इनाम की याफ्तगी पर मुबारकबाद दी और उनकी तहकीकी काविशों की सताइश की। उन्होंने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर्स बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और उनकी खिदमात को दुनिया भर में कद्र की निगाह से देखा जा रहा है। अरीज जैसी स्कॉलर इदारे के लिए असासे की हैसियत रखती हैं जिन्होंने अपने तहकीकी सफरों से साबित किया है कि वो उनमें आलमी मयार की साइंसी तहकीक की सलाहियत और इस्तेआद मौजूद है। ये कामयाबी सिर्फ अरीज के करियर का संगे मील नहीं है बल्कि जदीद तहकीक के तहत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अहद की तौसीक करता है और ये तहकीक काम आलमी पैमाने पर इलाज मुआलजे के मैदान में इनकलाबी आफरी तब्दीलियाँ पैदा करने की सलाहियत रखता है।